तो आज की वीडियो में हम लोग बोट के एयरडॉप्स 181 का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये एक वायरलेस एयरबर्ड है, तो देखने वाले हैं ये कैसा होने वाला है, इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें अच्छाई है क्या बुराई है, सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो स्टार्ट द रिव्यू वीडियो। यहाँ पर बेसिकली हमें इसे ऊपर करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग दिख रही है हमें, और इसे साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर इसे फिर इस तरीके से ओपन करना है। फाइनली ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोनों एयरडॉप्स दिख रहे हैं हमारे, और यहाँ पे इसका केस है, और यहाँ पर ये चार्जिंग केबल है। तो चार्जिंग केबल पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ये चार्जिंग केबल है, ये टाइप सी यहाँ पर है और यहाँ पे टाइप बी है। तो काफ़ी मतलब लोग अपग्रेडेड यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये टाइप सी है, और आपको अपने पर्सनल चार्जर को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके बाद यहाँ पे लोग अलग से ही यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयरबड्स देते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इसके साइजेस भी आई थिंक सो मे बी अलग अलग होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अब इसके केस को हम लोग पहले निकालेंगे। इसके केस को हमने यहाँ से रिमूव किया, और ये इसका केस है, और ये केस इस तरीके से ओपन होता है। और यहाँ पे केस में कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, जैसे मैं बता दूंगा, मॉडल नेम एयरडॉप्स 181 है, और ये मेड इन चाइना है। जी हाँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इसमें कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 300 mAh है। इसकी जो भी इनपुट एंड आउटपुट जो पावर है वो 5 वोल्ट रहेगा। आप उससे ज़्यादा के चार्जर से चार्जिंग मत कीजिएगा, और जब आप चार्जिंग करेंगे तो ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगी, तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये कंटिन्यूस लाइट जलती हुई दिखेगी, इट मीन्स ये फुल चार्ज हो गई। और इसकी जो फुल चार्जिंग जो है वो आपको ब्लूटूथ के सेक्शन में भी दिख जाएगी, वहाँ पर भी आपको 100% लिख के दिखाई देगा। यहाँ पर ये टाइप सी चार्जर लगेगा। इस केस को हम लोग साइड में रखते हैं, और यहाँ इस ईयरबड्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर ये इसका राइट ईयर का ईयरबड्स है, यहाँ पे लिखा भी है, आर सिंबल दिया हुआ है, और ये लेफ्ट वाला है, इस पर भी एल करके लिखा हुआ है। तो ये दोनों इसके ईयरबड्स है, तो काफ़ी अच्छा लुक है। यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, इस पर वन टैप क्लिक करने पर ये कोई भी म्यूज़िक को स्टॉप करता है, या कॉल रिसीव करता है, या डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रीवियस सॉन्ग्स को प्ले भी करता है, और भी बहुत सारे जेस्चर्स हैं, आप लोग मैनुअल्स में चेक कर सकते हैं। और ये इसके चार्जिंग के पॉइंट्स यही इसके केस में लग के, जब केस में अटैच होता है तो इसी पॉइंट्स के थ्रू इसमें चार्जिंग होती है, तो इस तरीके से चार्जिंग भी हो करता है। और मैंने इसे यूज़ भी करके देखा है, और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि आप इसे चार्जिंग करने के बाद डेली 2 to 3 hours यूज़ करने पे आपकी ये चार्जिंग इसकी 3 to 4 days आराम से चलती है, तो चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये वाटर रेजिस्टेंस है, तो आप लोग इसको पानी में मत गीला कर देना, तो ये वाटरप्रूफ नहीं है। और बेसिकली इसके नीचे हम लोग देखेंगे जो भी इसके गाइड्स वीड्स दी है, और इसकी ऑनलाइन वारंटी भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जो कि 1 year की है। जस्ट सिंपली इस पर जो नंबर दिया रहेगा उसमें मिस कॉल करके हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मैनुअल्स पढ़ भी सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आज की वीडियो में बताया गया एयरडॉप्स 181 का रिव्यू आपको कैसा लगा। आप लोग इस एयरडॉप्स को ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दो लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग आगे फिर किसी दूसरी रिव्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।